हेलो एवरी वन आई एम फ्रॉम समा टूडे आई विल हाउ वी कैन यूज फेजल वर्ब्स इन इंग्लिश स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ द फेजल वर्ब दट वट आर द मीनिंग वर्ब इज द कम्बिनेशन ऑफ अ बर्ब एंड एन एंड वर्ब और अपोजिशन फॉर एग्जाम्पल शटअप और लुक आफ्टर विच टू गर है अगर हम बात करें जो फेजल वर्बस होती हैं वो कम्बिनेशन होता है जहाँ पे बर्फ के साथ एडवर्ब या फिर प्रेपोजिशन जो है मिलके एक कोई पर्टिकुलर हमारे पास वर्ड बनाती है जैसे हमने देखा शट अप है देन लुक आफ्टर है तो लुक आफ्टर का मतलब किसी की देखभाल करना सो so लुक इज हमारे पास क्या है दैट इज वर्ब है एंड आफ्टर हमारे पास क्या है प्रेपोजिशन है तो so दोनों को कंबाइन करके हमारे पास मीनिंग क्या बना लुक आफ्टर सो दीज आर द वर्ब्स हम डेली लाइफ में बहुत सारी फेजल वर्ब्स को यूज करते हैं जैसे सिट डाउन स्टैंड अप गो आउट सो ये सारी पास फेजल वर्ब्स हैं जिनको हम यूज करते हैं लेकिन समटाइम्स हमें आइडिया नहीं होता कि हम इसको कैसे यूज करें ओके okay, लेट्स व लुक ऑन पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स ऑफ फेजल बर्ब जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और इवन आल्स में तो बेसिकली हम उनको यूज करते ही करते हैं अगर आप करोगे तो आपका स्कोर जरूर इम्प्रूव होएगा ओके द फर्स्ट फेजल बर्ब हमारे पास है चेक इन सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ द चेक इन द मीनिंग इज टू शो योर टिकट एंड अदर डॉक्यूमेंट एट द एयरपोर्ट कि जब भी हमने अपने कोई डॉक्यूमेंट या टिकट जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर शो करनी होती है तो वहां पर हमारे पास उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए हम चेक इन वर्ड को यूज करते हैं सो फॉर एग्जाम्पल वी चेक इन एट लीस्ट टू आवर्स बिफोर द फ्लाइट कि अगर हम देखें कि हमने क्या किया था वी चेक इन कि वहां पे हमने अपनी शो की थी टिकट जो थी एट लीस्ट टू आवर्स बिफोर द फ्लाइट फ्लाइट से दो घंटे पहले नेक्स्ट इज ड्रेसअप ड्रेसअप मीनिंग इज टू वियर स्मार्ट क्लोथ फॉर अ स्पेशल ओकेजन और बियर कॉस्ट्यूम्स तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो ड्रेसअप का मतलब होता है जब भी हम कोई स्पेशल ओकेजन के लिए कुछ डिफरेंट और स्पेशल कॉस्ट्यूम्स को वियर करेंगे उसी को हम बोलते हैं ड्रेसअप जैसे हम बोलें गेट ड्रेस गेट ड्रेस इज नॉट अ पर्टिकुलर वर्ड फॉर द स्पेशल ओकेजन जो हमने स्पेशल कॉस्ट्यूम्स पहने होते हैं वो हम जैसे आम गेट ड्रेस मतलब हम तैयार होते हैं उसके लिए ड्रेसअप का मतलब जो हमने कोई स्पेशल के लिए कोई करने होते उसके लिए हम यूज करते हैं एग्जाम्पल है वी डिसाइडेड टू अप फॉर अ पार्टी सो हमने डिसाइड किया था कि हम ड्रेसअप करेंगे मतलब स्पेशल कॉस्ट्यूम्स पहनेंगे किसके लिए पार्टी के लिए सो नेक्स्ट एज ईट आउट ईट आउट हमारे पास फिर फेजल बर्ब है दैट इज़ मीनिंग है टू ईट आउट इन अ रेस्टोरेंट एंड अ कैफे जब भी हम घर से बाहर रेस्टोरेंट में और कैफे में जाके हम कुछ भी खाते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ईट आउट एग्जाम्पल आई लव ईटिंग आउट कि मुझे बाहर खाना बहुत पसंद है तो उसके लिए हम ये पर्टिकुलर जो है फेजल बर्ब उसको यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज़ अ एंड अप अब एंड अप का मीनिंग है टू डू सम विदाउट हैविंग प्लैंड टू कि हमने कुछ कुछ कम्प्लीट हुआ मतलब हमने कुछ किया लेकिन उसके बारे में हमने कोई प्लान नहीं बनाया था वो अपने आप हो गया सरप्राइजिंगली एग्जाम्पल बी मेट एट दार्क हम पार्क में मिले बट बी एंडेड अप गोइंग टू द सिनेमा लेकिन हम अनएक्सपेक्टेडली हम कहाँ पे गए सिनेमा में चले गए मतलब एंड मतलब हमने बिना डिसाइड किए ही हमने सिनेमा में जाने हम चले गए सो इसका मतलब वहां पे हम कौन सी फ्रिजल वर्ब यूज करेंगे एंड अप नेक्स्ट वन इज आउट मीनिंग टू स्टॉप बींग फ्रेंड्स विद समन जब भी हम किसी के फ्रेंड नहीं रहते हैं तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं फॉल आउट वर्ड सो यहाँ पे हमने यूज किया आई फेल आउट विथ सूजन वेन शी फॉ गेट माई बर्थ कि मैंने सूजन uh, के साथ अपनी फ्रेंडशिप जो थी उसको स्टॉप कर दिया जब वो मेरा बर्थडे भूल गई थी तो यहाँ पे हमने फॉल को फेल में किया मतलब हमने पास में यूज किया तो वहां पे हमने यूज किया आई फेल आउट सो दिस इज अग नेक्स्ट हमारे पास फ्रेजल वर्ब थी नाउ कम टू नेक्स्ट दैट इज गेट अ मीनिंग हमारे पास क्या है टू बी गुड फ्रेंड्स विद समन जब भी हम किसी के साथ गुड फ्रेंड्स किसी के गुड फ्रेंड्स बनते हैं तो वो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं गेट अलोंग एग्जाम्पल है मी एंड सिमरन हैव गॉट अलोंग वेल सिंस स्कूल के हम काफी गुड फ्रेंड्स हैं कब से हैं स्कूल से हैं तो वहां पे हम जो है गॉट अलोंग जो है हम वर्ड जो है फ्रेजल वर्ड को यूज कर सकते हैं नाउ कम टू नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज गेट अवे मीनिंग है टू गो ऑन हॉलीडे कि जब भी हम हॉलीडे के ऊपर जाते हैं तो उसमें हम कौन सा वर्ड जो यूज कर सकते हैं कौन सी फ्रिजल वर्ब गट अवे एग्जाम्पल है इट वॉज ग्रेट टाइम टू गेट अवे लास्ट वीकेंड आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम एट होम के हमने वहां पर क्या किया कि काफी गुड टाइम हमने वीकेंड के ऊपर बाहर जो है हॉलीडे के ऊपर स्पेंड किया आफ्टर स्पेंडिंग टू मच टाइम एट होम के घर पर टाइम स्पेंड करने के बाद हमारा जो टाइम था वीकेंड के ऊपर वो बाहर जो हमने हॉलीडे में किया वो काफी ज्यादा बढ़िया था काफी ग्रेट था नेक्स्ट वन इज गेट टुगेदर इसका मीनिंग होता है किसी के साथ मिलना किसी को मिलना एग्जाम्पल आई फाइनली गॉट टूगेदर विद माई स्कूल फ्रेंड्स लास्ट वीकेंड के लास्ट वीकेंड में फाइनली अपने फ्रेंड्स के साथ मिली चाहे फ्रेंड्स के साथ मिला तो वहां पे हमने यूज़ किया गॉट टुगेदर नेक्स्ट वन इज हमारे पास है फेजल वर्ब गिव अप गिव अप का मीनिंग है टू स्टॉप डूइंग समथिंग जब हम कोई चीज़ करना बंद कर देते हैं उसके लिए हम गिव अप यूज करते हैं एग्जाम्पल है आई गिव अप स्मोक

ंग हमारे पास है टू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी विद अदर पीपल जब हम किसी अदर पीपल के साथ किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए हम ज्वाइन इन यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल एवरी वन ज्वाइन इन द गेम एट द एंड ऑफ द पार्टी के सभी ने एंड ऑफ द पार्टी में क्या किया ज्वाइन किया गेम में सो so, उसके लिए हम ज्वाइन इन फ्रीजल बब यूज कर सकते हैं नेक्स्ट इज लिव ऑन मीनिंग है हमारे पास टू ईट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड ऑल द टाइम जब कोई पर्सन जो है एक पर्टिकुलर एक खास जो है पर्टिकुलर टाइप का फूड हमेशा खाता है उसके लिए हम लिव ऑन यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल है टॉनी इज नॉट अ हेल्दी मैन ही जस्ट लिव ऑन अ टेक अवे पिज्जा वो एक हेल्दी मैन नहीं है वो जाकर क्या करता है किसके ऊपर रहता है किसके ऊपर जिंदा रहता है या किसको खाता जाकर वो पिज्जा को ही टेक अवे करता है मतलब लेके जाता है और उसको ही खाता है सो दिस इज द लास्ट हमारी जो फेजल वर्व थी अगर आपको वीडियो अच्छी हो लगी हो तो इस हम इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू